नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से कुछ जगहों से महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं विदेशों को लेकर, तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों, पहली जो खबर है वो निकल कर आ रही है ओमान की फ्लाइटों को लेकर। काफी ज्यादा लोगों के सवाल आ रहे हैं कि ओमान की फ्लाइटें कब चलेंगी, तो आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इस हफ्ते यानी जो ये वाला हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते में 30 फ्लाइटें जो हैं वो लगाई गई हैं ओमान के लिए, यानी 30 फ्लाइटें ऑपरेट की जा रही हैं ओमान के लिए। तो आप इनकी डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे इस हफ्ते 30 फ्लाइटें जो हैं वो चलने वाली है। दूसरी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका से निकल कर आ रही है। आपको बता दें साउथ अफ्रीका में यहाँ पर लगातार सवाल आ रहे हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइटों का क्या होगा, तो आपको बताना चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका में इस वक्त ज्यादा जो उड़ाने हैं वो तो नहीं जा रही है, पर जैसे वहां का जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने जो जितने भी कर्मचारी हैं उनको अपनी फ्लाइटें अरेंज करके भेज रही हैं। और ऐसी ही फ्लाइट एक आई थी अभी, कोई साउथ अफ्रीका एसोसिएशन, कल्चरल एसोसिएशन है, वहां से भी काफी सारे इंडियन को भेजा गया है इंडिया में। तो अगर आपकी भी कंपनी है वहां पर तो आप लोग एक बार उनसे रिक्वेस्ट कर देख सकते हैं। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि आपको बता दें मिडिल ईस्ट कंट्रीज से फ्लाइटों की बात निकल कर आ रही है। आपको बता दें काफी ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि कुवैत का क्या सीन हो रखा है, तो आपको बताना चाहेंगे कि वंदे भारत मिशन में करीब करीब 66 जो फ्लाइटें हैं वो बहराइन, कुवैत, दमन, शारजा, रियाद से ऑपरेट होने वाली है। और वंदे भारत मिशन का जो पांचवा वाला मिशन है वो 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। वहीं अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जितने भी लोग ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइटों की क्या स्थिति है, तो आपको बताना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय जो उड़ाने हैं वो ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि जनवरी 2021 तक रिज्यूम होंगी, यानी पूरे 1 साल का समय लगेगा। यानी जितनी भी नॉर्मल फ्लाइटें हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनियां हैं वो करीब करीब जनवरी 2021 तक का समय लेंगी ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरने में। तो दोस्तों, ये है अभी तक की कंप्लीट अपडेट। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपका अभी भी कोई भी सवाल, सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, में हूं आपका दोस्त विनायक। मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।